नमस्कार, मी ऐश्वर्या गावडे. ए टी व्ही न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. काँग्रेस आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज आपल्या आमदारकीचा राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला आहे. काँग्रेस आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज आपल्या आमदारकीचा राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला. विखे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा दिला होता. आज सकाळी विखे पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी बंडखोर काँग्रेस आमदारांची बैठक झाली. यावेळी आमदार अब्दुल सत्तार, आमदार जयकुमार गोरे, आमदार भारत भालके उपस्थित होते. या बैठकीनंतर अब्दुल सत्तार यांना सोबत घेऊन विखे पाटील विधिमंडळात गेले. तिथे त्यांनी राजीनामा दिला. ऐसा कोई दबाव तो है नहीं, क्योंकि पार्टी को अगर सही माने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना है. किसी में स्टेट की जो लीडर, स्टेट के जो स्टेट के अंदरूनी जो नेता है, स्टेट में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने गौर करना चाहिए कि पार्टी की हालत ऐसी क्यों बदतर होती जा रही है, उसमें क्या क्या खामियाँ आई थी. कार्यकर्ताओं का अगर आदर, भावनाओं का आदर नहीं करेंगे तो आगे चलते और खरीफ स्थिति और बुरी स्थिति में बुरी स्थिति हो सकती है. पार्टी के लोगों ने सोचना है. अभी तो मैं फिलहाल उसमें तो दखलअंदाजी नहीं करता हूँ. ब्यूरो रिपोर्ट, एटीवी न्यूज़, अहमदनगर.